रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। बोलो गौ माता की माँ गौ माता की, बांदकपुर धाम श्री जागेश्वर महादेव की, रुक्मणी मैया की, बागेश्वर धाम की, गौशाला नहीं उपाय, गौशाला नहीं उपाय, गौशाला नहीं उपाय, गौशाला नहीं उपाय, गौ हत्या गौ माता की माँ। आज बैठ जाओ, सामने वाले बैठ जाओ, अगल बगल वाले सामने आ जाओ, ऐसे आ जाओ, आप लोग पीछे से बगल से ऐसे सामने आ जाओ। आज इस पावन धरा पर अचानक कथा के मध्य में ही ऐसी हनुमान जी की प्रेरणा लगी कि गांव गांव में विचित्र स्थिति मची है और बुंदेलखंड के इस दमोह जिले में कसाईयों के द्वारा गौ माता को काटा जा रहा है। आवाज बात ये चर्चा तो सबने की है, लेकिन आज हम ना चर्चा करेंगे ना गौ हत्या बंद करेंगे इसका ज्यादा नारा लगाएंगे। आज से संकल्प लेकर जाएंगे कब ऐसा होने नहीं देंगे, अब ऐसा होने नहीं देंगे, तभी काम चलेगा। केवल बातों भर से गौ माता की स्थिति क्या है, रुक्मणी मैया कहां बंद है, ये विचित्र स्थिति हमारे दमोह जिले में है। तो मन में ऐसा हनुमान जी के चरणों से भाव आया, दो बातें हम पहले कह देते हैं, ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना राजनीति के लिए ये बात कह रहे हैं, हमारी गौ माता है, हम गौ माता की बात कर रहे हैं। दूसरी बात किसी पार्टी का या किसी भी झंडे का विषय नहीं है, गौ माता हमारे देश की माँ है और पुत्र का धर्म है गौ माता की रक्षा के लिए सबको जगाना। जिसके परिणाम स्वरूप संध्या काल में कथा के बाद मंच पर एक तरफ जहां संत समाज विराजमान है, दूसरी तरफ व्यास पीठ के साथ साथ राजनीति भी, राजपीठ भी यहां विराजमान है। और विचित्र बात, मंच पर बैठे नहीं है कोई, न संत बैठे हैं न राजपीठ के बैठे हैं, मतलब ये कहना है कि अब बैठ के काम नहीं चलना है, अब हम खड़े हो गए। संत भी सभी पंथ के हैं, कोई सन्यासी है तो कोई बैरागी है तो कोई गौ का भक्त है, और सबसे ज्यादा असली संत तो आप लोग हो, जिनमें ना जात है ना पात है, गौ माता के लिए शाम को सब घर घर छोड़कर चले आए। बातें सुनकर जयकारा लगाकर धूरा उड़ाकर तो बहुत बार चले गए तुम लोग, कई बार चले गए गांव गांव में, खूब गो हत्या बंद हो रोज कह रहे, पर आज लो हो पाई का काय नहीं भाई, कैसे लोगरिया छोबा थे, कह तो देते हैं पर करते नहीं है। लेकिन आज यहां से कसम खाकर जाएंगे कि गांव गांव में जितनी गौ माता है, प्रयास यह करेंगे कि सबसे पहले तो गौ माता के रक्षोहण के लिए एक एक हिंदू परिवार एक एक गौ माता रखेंगे, और इसके बाद गौ माता को काटने वाले कसाईयों के घर पर
ताला लगा कर रहेंगे। जो गौ माता को काट रहे हैं, बेच रहे हैं, हम लोग जागरूक होकर के उनका वीडियो बनाकर उन्हें पकड़कर शासन प्रशासन के हवाले भी करेंगे, ताकि लौट कर जीवन में ये गौ माता को छू ना पावे। उसके पहले सबको जागना पड़ेगा, सभी पंथ के लोग, सब समाज के लोग। हिंदू किसी बिरादरी का नाम नहीं है, सनातन हिंदू सबका नाम है। चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और इस महाअभियान संकल्प में क्षेत्र भर से, पूरे दमोह जिले से आए लोग, तुम्हें सौगंध है गौ माता की, तुम्हें सौगंध है सनातन धर्म की। अगर तुम गौ माता को माता कहते हो, तो या तो आज के बाद माता कहना बंद कर देना, अथवा दमोह जिले में कसाईयों की दुकान बंद करवा देना। या तो गौ माता कहना बंद कर देना, या दमोह जिले में जहां जहां गौ माता कटती है या काट करके कसाई डब्बों में भर भर करके गौ माता को ले जाते हैं, उनकी दुकानें बंद करवा देना। सभी सनातनीय हिंदू, कोई अति कुमन मुक्त बांदकपुर का नारा लेकर आया, कोई गौ हत्या बंद हो का नारा लाया, कोई गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय का नारा लाया। सबसे पहले आज की शाम गौ माता के चरणों में समर्पित है, इसलिए प्रारंभ में गौ माता का पूजन किया। इस तरफ महापुरुष संत विराजमान व्यासपीठ से, संत खड़े हुए हैं व्यासपीठ से। संतों के भी किसी के हाथ में फरसा है तो किसी के हाथ में भाला, मानो ये संत कह रहे हो माला और भाला। दूसरी तरफ राजपीठ का भी कहना है, किसी का बुरा ना हो, पर महाराज जी गौ माता हमारी भी माता है। राजनीति में आने के पहले हम भी गौ माता के बेटा हैं, हम भी उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर सब गौ सेवकों का स्वागत करो, ध्वज लहरा दो और कह दो कसाईयों सावधान सावधान सावधान। अब गौ माता के पूत आ रहे हैं, कौन कौन गौ माता का पूत है हो ना, तो क्या गौ माता के ऊपर अत्याचार होने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाओगे? कसाईयों हो जाओ सावधान सावधान सावधान। अब गौ हत्या नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। ऐसे दोनों हाथ उठाओ, अब वो समय आ गया शपथ लेने का। मुट्ठी बांध लो, हाथ खुले में तो कॉल खाओ, फिर कह दो कि हम तो अंगरिया खोले रहे, उड़ गए हमारे तो पूरी कॉल है। मुट्ठी बांधो सब, कहो हे गौ माता, हम आज दमोह जिले के हनुमान धाम कांदीपुर में यह वचन लेते, हम सौगंध खाते, हे गौ माता, पूरे जिले में जहां पर भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार होगा या तुम्हें कोई काटेगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम वचन देते हैं कसाईयों के घर ताला लगा कर रहेंगे, कसाईयों के घर ताला लगा कर रहेंगे। हे गौ माता, हे हनुमान जी, हम सौगंध खाकर कहते हैं गौ हत्या नहीं होने देंगे,
गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ हत्या नहीं होने देंगे, गौ हत्या नहीं होने देंगे। गौ माता की। दोनों हाथ मल करके अपने मस्तक पर रख लो कि हम सौगंध खा रहे हैं। आज से कौन कौन तैयार है, कब तक के लिए, जिंदगी भर के लिए, भूल तो नहीं जाओगे? क्या कहोगे? कसाईयों सावधान सावधान। क्यों? गौ हत्या। एक वचन और दो, अपने अपने गांव में भी ऐसे ही महीने में एक बार पूरे गांव को जोड़ करके इस बात का संकल्प दिलवाना। दूध के डब्बों में जो गौ माता का मांस जाता है, शासन प्रशासन और आप सब लिख करके देना। जितने कसाईयों के घर हैं उनके मकान नंबर लिख करके देना। पहले तो शासन प्रशासन से कहना कि तुम इनके घर खोलो और जितना गौ माता का मांस रखा उसे पकड़ के इन्हें जेल डालो। और जब शासन प्रशासन ना करे तो तुम लोग स्वयं शांत्रीय प्रिय दूत बन करके जाना और एक बार कह देना कि गौ हमारी माता है, ये काम बंद कर दो वरना तुम बंद हो जाओगे। एकता में बहुत ताकत होती है। किसमें? तो आज से कौन कौन हिंदू तैयार है? हर महीना में, एक दो महीने में कौन कौन अपने गांव में अलग जगाएगा? पक्का। गौ माता की, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष की दाता भाग विधाता है। अर्थ धर्म बोलो, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो भारत बचेगा, गौ माता सुरक्षित होगी तो भारत सुरक्षित होगा। और जिस दिन गौ माता को राष्ट्रीय धन घोषित कर दिया जाएगा उसी दिन भारत हमारा विश्व गुरु बनने लगेगा। और केवल जय श्री राम ना कर नारे लगाने भर से काम नहीं चलना है। अब हिंदुओं एक हो जाओ, माला और भाला दोनों हाथ में लेकर तैयार हो जाओ। गौ माता हमारी माँ है जिसमें 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गौ माता वो जो दूध देकर के हमारे बच्चों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है। गौ माता वो खुद कट करके मर जाती पर हमारे ऊपर आंच नहीं आने देती है। वरना ये जो कसाई हैं, दरअसल ये गौ माता को काटने का काम नहीं कर रहे, ये सनातन को काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गौ माता अपने ऊपर ले लेती है। गौ माता वो जो तुम्हारे घर में सुख चाहती है, गौ माता वो जिसके घर में आते ही बीमारियां भागने लगती हैं, गौ माता वो जिसके आते ही घर में भूत बाधा बलाय बाधा भागने लगती है, गौ माता वो जिसके घर में रहने से रौनक आ जाती है, गौ माता वो जिसको हमारे गोपाल जिसके पीछे भागे,
गौ माता वो जिसमें हम सब 33 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते, गौ माता वो जिसके गौमूत्र और गोबर में लक्ष्मी का वास मानते, गौ माता वो जिसमें सब तीर्थों का वास है, ऐसी गौ माता की रक्षा के लिए अगर कोई नहीं जगा तो उससे बड़ा बुजदिल इस देश में कोई नहीं है। देश का दुर्भाग्य और दमोह जिले का दुर्भाग्य यह है कि इतने हिंदू हैं सनातनी, इतने लोग हैं, नारे लगाने तो आ जाते हो बुजदिलो, झंडा लेकर के और ये लेकर के तो तुम आ जाते हो, कभी हो सके तो ऐसे ही कसाईयों के दरवाजे पर जुड़कर चले जाना, उनके आने वाली पीढ़ी भी डरेगी कि अब हमें गौ माता को नहीं छूना है, आने वाली कोख के बच्चे भी उनके डरेंगे कि अब हमें गौ माता को नहीं छूना, वरना गौ माता का ये लाल, गौ माता के ये सब लाल हमें भी लाल कर देंगे। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए तुम सब एक हो, कसाईयों के दरवाजों पर जा जा करके गौ माता के नारे लगाओ और एक एक हिंदू परिवार एक एक गौ माता को पालो। इसके जिम्मेदार हम आप सब हैं, न गौ माता को हम रोड पर भेजते, न गौ माता को रोड पर फिराने देते, न गौ माता आज कटती। अपने अपने गांव में, अपने अपने परिवार में एक एक गौ माता जरूर सब रखो, दो दो गौ माता जरूर रखो, जो जितना समृद्ध है उतनी गौ माता रखो। आज हमने ना तो कोई आंदोलन के लिए बुलाया, ना राजनीति के बुलाया, तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया कि शायद हमारी कोई बात तुम्हारे दिल में चोट कर जाए और तुम गौ माता की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। पता नहीं क्यों बुलाया, लेकिन शपथ भूल मत जाना कि भूल जाओगे, बुजदिल तो नहीं हो, डर तो नहीं जाओगे, कसाई अगर धमकी देंगे तो, अगर वो मारने को तुम्हें कहेंगे तो तुम दौड़ तो नहीं जाओगे, भाग तो नहीं जाओगे, गांव गांव में अलग कौन कौन जगाएगा, गांव गांव में गौ माता की रक्षा की बात कौन कौन करेगा, दोबारा कथा किसे सुननी है, कहां दमोह में, किस लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। और हम तुम्हारी तरफ से यहां राजपीठ पर जो हैं सभी पार्टियों के लोग हैं, तो राजपीठ से भी हम निवेदन करेंगे तुम सब की ओर से कि आप लोग ऐसा अधिकारियों को आदेश दे दें कि जो 5-5, 6-6 हजार रुपए में गौ माता के भरे ट्रक निकलवा देते हैं वो बंद हो जाएं। ऐसा आदेश अधिकारियों को दे दें कि कसाईयों की आने वाली पीढ़ी और घरवारी भी भीतर हो कपे कि अब ना जाइयो नहीं तो लाल हो जाए हो। हम ये तुम्हारी कौन कौन चाहता ये मांग, सब चाहते ना, एक बार जोर से जयकारा नारा लगा दो गौ माता का ताकि राजपीठ वाले लोग सुन लें और आपकी बात कल ही अधिकारियों को निर्देशित कर दें कि अब गौ माता और जितने गौ माता की हत्या करने वाले लोग हैं या जितने कसाई हैं उनको सख्त निर्देश दे दें और गौ हत्या बंद होने के लिए पूरे जिला को संकेत कर दें। जोर से बोलो और जोर से, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गाय हमारी, कसाईयों सावधान 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 सावधान। सब लोग हनुमान जी को प्रणाम करके एक बार अपने लिए खुद आप सब गौ भक्तों को खूब खूब धन्यवाद। और कुछ बात कहनी है बोलो, एक और करना है, गौ रक्षकों को अगर कोई कसाई छेड़े
तो तुम अपने दरवाजे मत बंद करना, यही जोन ले हो झंडा सो झंडा भीतर धर लियो डंडा। जब बुलडोजर का यहां ले आओ, बांदकपुर में चलवाऊ। अब रुक जा भैया, गौ माता तो बच जान दे। जी गौ माता नहीं है, दमोह में एक भी गौशाला नहीं, नगर में नहीं है। कितने दिन में बन जाए बोलो, मिलके बोलो सब जन को काम, कितने दिन में? बहुत जल्दी नहीं, टाइम बताओ। ऐसे आओ, कितने दिन में बना दे? दो माह में बन जाए, तीन माह में? कितने गौ माता के लिए? कोई बात नहीं, आप बोलो कितने गौ माता के? तीन महीना में एक गौशाला बन जे है। बांदकपुर नहीं बनी तो हमारे लोग आ जाइयो, माए भाड़ में गो। हम कौन ने ताए, हमें तो चाय जा मिल जाए सो पकड़ लइयो। ठीक, तीन में लबरो ना कहियो टंडन जी, लबरो ना कहियो जी, लड़का हमारी घिचिया पकड़ ले। ले अगर इन शासन ना दे है तो जी अपने पर्सनल पैसन से बनवा है। राहुल तुम एक काम कर दो, तुम पहाड़न के आसपास में टीन सेट गौ माता के लाने बना दो, ताकि बारिश में गौ माता यहां वहां ना बैठे। तीन महीना में बन जाए, तीन महीना में? ठीक, अब गांव वाले तुम्हें काम दे दें। हैं? गांव गांव में अपने खेतन पे हौदी बनवा के पानी भरन लगो, ताकि गौ माता प्यासी ना मरे। कौन कौन करेगा ऐसा? पक्का पक्का, जय हो। ऐसी सभा आलोचना तुरंत को फुरत हो। सबको पहले इतना हो जाए, वो नहीं होगा। अब अपन और जग गए ना, को पैसा लेके खूब ठेला निकलवाए अपन ठटरी बार देवी। तुम्हारे कहा कॉल कहा खाए सबने मिलके,